हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप डबल कट क्रीज आई मेकअप कैसे क्रिएट कर सकते हो। ये लुक काफ़ी इजी है, दिखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैंने बहुत ही इजी स्टेप में मैं आप लोगों के साथ में इस लुक को क्रिएट करूँगी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो यहाँ पे मैं हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ब्लैक आई शेडो को यूज़ किया है, तो इसको मैं इस तरीके से इस शेप में मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी थिन ब्रश लिया है और इसको मैं इस शेप में अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको काफ़ी धीरे धीरे अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद में और ये इस तरीके से शेप क्रिएट करने के बाद में आई शेडो को थोड़ा अच्छे से और अप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल ब्रश यूज़ किया है, और आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे जैकलिन हिल का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, और उसमें से ये मैंने ब्राउन शेड को लिया है, और इसके हेल्प से मैं ब्लैक आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी ताकि कोई भी हार्शनेस ना दिखे, आई मेकअप ब्लेंड दिखे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्लैट ब्रश लिया है, ये थोड़ा फ्लफी ब्रश है, तो इसके हेल्प से मैं यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ, दोनों शेड को आपस में मर्ज भी कर दूँगी ताकि सॉफ्ट लुक दिखे। फिर यहाँ पे मैंने गार्नियर का ये मैसेलर वाटर यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने ईयरबड की हेल्प से यहाँ पे कट क्रीज में ड्रॉ कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको कट क्रीज ड्रॉ करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पूरी अपने आईलिड को क्लीन कर देंगे, फिर उसके बाद वापस से अपना आई बेस लगा देंगे। जब हम आई शेडो अप्लाई करें तो वो अच्छे से पॉपअप हो हमारी आईलिड पर। फ्लैट शेडो ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैं अपना कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ पे मैंने ये NYBA का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद वाई शेडो की हेल्प से इसको अच्छे से तो हल्के हाथों से इसको मैंने सेट कर दूँगी। उसी पैलेट में से ये थोड़ा मैंने बहुत ही लाइट ब्राउन शेडो को यूज़ किया है, अप्लाई किया है अपने इनर कॉर्नर पर। फिर उसके बाद यूज़ करूँगी मैं ये येलो शेडो को। तो यहाँ पे मैं हम इनर कॉर्नर से लाइट शेड में आते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये येलो शेड को अप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद ऑरेंज शेड को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लाइट, फिर उससे लाइट, फिर मीडियम, फिर उससे डार्क, फिर उसे डार्क शेड को ऐसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो मैंने ऑरेंज शेड को अप्लाई करूँगी, फिर यहाँ पे मैंने रेड शेड को लिया है और इसको भी मैं अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पे हम अप्लाई करने के साथ साथ में सारे आई शेडो को अच्छे से आपस में मर्ज भी कर देंगे ताकि ऐसा ना लुक दिखाई दे कि अलग अलग आई शेडो अलग अलग मतलब लगा दिया है। फिर यहाँ पर मैंने ये सी ग्रीन यूज़ किया है कलर, और इसको भी मैं अप्लाई कर दूँगी अपने आउटर कॉर्नर पर, और इसको भी सेम आपस में मर्ज कर देंगे। फिर यहाँ पे मैंने म्यूज़िक फेयर का जेल आईलाइनर यूज़ किया है, अपने आउटर कॉर्नर पे इस तरीके से अप्लाई कर दिया है, और लोअर लैश लाइन पे मैंने यूज़ कर रही हूँ ब्राउन शेडो। और तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने येलो काजल नहीं अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने NYBA का वेट एंड वाइल्ड का ये क्रीम काजल यूज़ किया है वाइट में, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर लगा दिया है येल्लो आई शेडो। तो इस तरीके से वो येल्लो दिख रहा है। तो आपकी अगर वाटरी आइज़ है तो आप ऐसे इसको स्किप कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक आई शेडो को लिया है, और इसको भी मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, और यहाँ पे मैंने ग्लिटर यू लगा दिया है अपने आई के सेंटर में, गोल्डन ग्लिटर। उसके बाद यहाँ पे मैंने NYBA का आईलाइनर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक बेसिक का सा आईलाइनर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे मैंने इनर कॉर्नर पे इनर वी बना दिया। इनर वी बनाने से आपका आई मेकअप काफ़ी चेंज हो जाता है, तो बहुत ही आसान है इनर वी बनाना। आपको बस आईलाइनर को एक्सटेंड करना है, उसको लोअर वाटर लाइन तक कनेक्ट कर देना है। तरीके से आईलाइनर को अप्लाई कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने हाइलाइटर लिया है, यह हुडा ब्यूटी का ड्यूप हाइलाइटर है सिल्वर शेड में। तो यहाँ पे मैं अपने ब्रोबन को हाईलाइट कर दूँगी,
और यहाँ पे मैंने मस्कारा के लिए यूज़ किया है मेबलिन का मस्कारा। तो इसको मैं अपने अपर लैश पे लोअर लैश पे मस्कारे की मैं अच्छे से कोटिंग कर दूँगी। आपको मस्कारा काफ़ी अच्छा अमाउंट पे अप्लाई करना है और लोअर लैश लाइन पे तो खास तौर पे आपको मस्कारा अप्लाई करना है, तो इससे आपके आई मेकअप में काफ़ी चेंजेस आता है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।